ताजभर जी ये समाज को धो डाले हैं, ये आप जो है तो सब कुछ करिए, गाली क्यों देते हैं? माँ बहन की गाली जो है इसी लोकसभा चुनाव में रतनपुरा बच्चा कटरा के और बाकी का नेता का बड़बोल बिगड़ी बोल, आप बताइए वो जो है नेता लायक है? मान्य ओम प्रकाश राजभर जी नेतागिरी करने लायक नहीं है। उनके लोग वो कहते थे कि मैं जो है क्या बनूंगा, कैबिनेट मंत्री बनूंगा और कैबिनेट मंत्री बनूंगा और कम से कम 200 कार्यकर्ता को ले चलूंगा, जो है राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो है दिलवाऊंगा से नहीं। जोगी जी जिनको खोज रहे हैं, अरे जब ट्रेनिंग दिलवा रहे थे गांजा पी के भकुआइल बा और जो है केतर मठ में घंटा हिलावल जला, अखिलेश जी को जो है कहाँ भेजे, सफाई भेज रहे थे। सोलदेव कल्याण पार्टी के महेंद्र राजभर जी ने रो कर कहा कि अरे साहब दो तीन टिकट जो है राजभर समाज के बेटा बेटी को लड़ा दीजिए कि हम लोगों का सम्मान बच जाएगा। 21 साल में आपने किसी को जो विधायक ना, अपने बेटा को विधायक नहीं बना पाया तो क्या करेगा, दूसरे को बनाएगा? अरविंद को 62 से लड़ाया था, वहाँ भी विधायक नहीं बना पाया तो अब क्या करेगा? अरे फिर से यहाँ घोसी से लोकसभा में उतार। हम ये कह रहा हूँ कि लोकसभा नहीं, बीजेपी में जब तक रहेंगे, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो कितना हूँ साफ करेगी, वो दाग इस तरह का है, केला का दाग जल्दी छूटता नहीं है, केले का रस जो है और अरुई का पत्ता जो होता है उसका रस छूटता नहीं है, वो दाग उनके ऊपर लग चुका है जो गाली दिए हैं हर लोगों को। आपको कहे थे आपके पार्टी के लोगों को कि अरे वो तो शाम को उठाना पड़ता है। नहीं नहीं देखिए मैं बता देता हूँ, आप हमारे बारे में जान लीजिए, मैं आज तक न सुरती न तमाकू न बीड़ी न सिगरेट न पान, मैं एक गरीब का बेटा हूं और आज मैं जो किया हूं, 18 वर्ष 3 महीने पर हमने भर्ती हुआ था पीएससी में और जूडो का खिलाड़ी रहा 10 साल, उसके बाद जो है मैं जो चाहता था वही करता था, उसके बाद आया इसमें राजनीति में, 2015 में पत्नी को बेलौंझा से लड़ाया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके बाद 2017 में हमने जो है बीआरएस लिया और 2017 में इसी सदर मऊ से जो है हमने जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था लोक गठबंधन पार्टी से, आप लोग जानते भी होंगे, और 2021 में पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिया, और यही नहीं किया हमने जो है टिकटी जो है 600 समाज का घर से घाट तक पहुंचाता था और आज जो है देखा देखी लोग जो है टिकटी उठा रहे हैं, पहले जो टिकटी लोग नहीं उठाते थे। ये मेरे अंदर जो है पावर है, रमेश जी में ये पावर है, रमेश जी बराबर जो है सम्मान की जिंदगी जीते हैं, और ये जान लीजिए कि आप लोग जरूर सोचिए कि ये जो हैं माननीय श्री जो है ओम प्रकाश राजभर जी ये समाज को धो डाले हैं, ये आप जो है तो सब कुछ करिए, गाली क्यों देते हैं? माँ बहन की गाली जो है इसी लोकसभा चुनाव में रतनपुरा बच्चा कटरा के और बाकी एक से मारो बीजेपी वालों को, ये बोले थे, मैं सुनाया हूँ कि नहीं सुनाया हूँ, ऐसे बोले थे कि नहीं बोले थे, ये कहे हैं कि बीजेपी वालों को 6 इंच जो है, ये लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरा जो है दिमाग जो है गुस्सा में आ जाता है। बताइए इस तरह का नेता का बड़बोल बिगड़ी बोल, आप बताइए वो जो है नेता लायक है? मान्य ओम प्रकाश राजभर जी नेतागिरी करने लायक नहीं है। उनके लोग वो कहते थे कि मैं जो है क्या बनूंगा, कैबिनेट मंत्री बनूंगा और कैबिनेट मंत्री बनूंगा और कम से कम 200 कार्यकर्ता को ले चलूंगा, जो है राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो है दिलवाऊंगा, अब तो दिलवा दिए ना। अरे जोगी जी से पूछे नहीं थे, ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, ये जो अमित शाह से डायरेक्ट मिले हैं, जोगी जी जिनको खोज रहे हैं, अरे जब ट्रेनिंग दिलवा रहे थे गांजा पी के भकुआइल बा और जो है केतर मठ में घंटा हिलावल जला, अखिलेश जी को जो है कहाँ भेजे, सफाई भेज रहे थे, अरे देश का इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा था कि अरे ओम प्रकाश राजभर जी आपको जो है लाज नहीं लगती है, आप जो है बेलज हैं, बेशर्म हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं बेशर्म हूँ, शर्म नहीं आती। इस तरह का नेता का बोल, आप बताइए, इतनी गाड़ी घूम रही थी बीजेपी की ना, पोई 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 कर रही थी, अब कहाँ चले गए भाई तुम लोग, कहाँ गए? अरे 32 आए थे, 32 कैबिनेट मंत्री। आप बता दे रहा हूँ एक चीज और, ये जो पाठक ब्रजेश पाठक हैं,
ये पूरे बृजेश पाठक की गणित है। ये बृजेश पाठक ये चाहते हैं कि जो है ये लोग लड़े, आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमारे देखिए, हमारे जो है कि मुस्लिम भाई हैं, ये लोगों ने झूम कर वोट दिया, इतना वोट दिया, इतना वोट दिया कि अब क्या बताएं, बीजेपी का बक्सवा जो है ना फट गया। बीजेपी का बक्सा फरने का काम किया हमारे ये जो है भाई लोगों ने।